हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, CRSU यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को लेकर एक नोटिस आया था दिन में, तो उस नोटिस के बारे में दोबारा डिस्कशन करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, उस नोटिस के अंदर दो तीन पॉइंट थे तो उन पॉइंट्स के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि इनका हमें समझ नहीं आया, सर कुछ बताएं। तो चलिए उन पॉइंट्स को लेकर ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर सिक्स, तो पॉइंट नंबर सिक्स देख लेते हैं अब एक बार क्या दिया गया है। तो पॉइंट नंबर सिक्स क्या कहता है, द स्टूडेंट हु आर स्टडी इन इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर विल बी प्रमोटेड प्रोविजनली। जो बच्चे किसी भी ईयर में या किसी भी सेमेस्टर के इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे चार सेमेस्टर का कोई भी कोर्स है, जैसे आपकी बैचलर ऑफ एजुकेशन है, BA है, ठीक है, उसमें छः सेमेस्टर होते हैं आपके, तो मान लो फिफ्थ सेमेस्टर में कोई बच्चा है या फोर्थ सेमेस्टर में कोई बच्चा है, तो उसको बिना एग्जामिनेशन लिए, अभी करंट की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे COVID-19 की वजह से टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो इंटरमीडिएट मीडिएट जो भी सेमेस्टर्स हैं उनके अंदर से बच्चा क्या कर दिया जाएगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रमोट करने के बाद यूनिवर्सिटी ने आगे क्या कहा है वो देखिए, प्रोविजनली टू द नेक्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोविजनली पास्ट कर दिया जाएगा, वो प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने कहा है, सब्जेक्ट टू पासिंग द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाई द यूनिवर्सिटी इन नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में उन बच्चों के उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। जब यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होएगा उस टाइम पे आपके दोबारा से एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, मतलब फ्यूचर में। अभी फिलहाल क्या है, यूनिवर्सिटी को एग्जामिनेशन बहुत सारे करवाने हैं, बहुत सारे कोर्सेज के एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुके हैं, तो यूनिवर्सिटी ने ये आइडिया लगाया कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए प्रोविजनली, बट उनके एग्जाम कब लिए जाएंगे, फ्यूचर में एग्जाम आपके लिए जाएंगे, क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर भी पेंडिंग होते हैं, तो उनसे पहले वो एग्जामिनेशन ले लिए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा। ओके, तो उसके बाद कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भी उसके एग्जामिनेशन नहीं होंगे अगर वो प्रमोट होता है तो, ठीक है, तो उनके एग्जामिनेशन फ्यूचर में लिए जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेवन नंबर, इसी सेवन पॉइंट पर भी कमेंट आ रहे थे बच्चों के, तो ये सेवन पॉइंट क्या है, द एग्जामिनेशन फॉर्म बाई स्टूडेंट ऑफ UTD एंड एफिलेटेड कॉलेज एक्सेप्ट एजुकेशन कॉलेजेज। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जितने भी बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने हैं, री अपीयर के या रेगुलर के भी पेंडिंग है जिसके, ठीक है, डेट एक्सटेंडेड हुई है जिनकी, तो वो किसके भरे जाएंगे, एफिलेटेड कॉलेज, जितने भी CRSU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके और यूनिवर्सिटी कैंपस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, तो उनके ये फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, एक्सेप्ट एजुकेशन कॉलेज, तो एजुकेशन कॉलेज को छोड़कर, जैसे BEd के जितने भी कॉलेज हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन के जितने भी कॉलेजेस हैं जो CRSU से एफिलेटेड हैं, उन कॉलेजेस को छोड़ के, मतलब BEd के कोर्स के फॉर्म नहीं है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी BEd होता है, BEd के कॉलेज होते हैं वो अपने आप अपने बच्चों के फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनका कंबाइन एक क्या बनता है, ड्राफ्ट बनता है जो कि यूनिवर्सिटी में जाता है, एग्जामिनेशन फीस का ड्राफ्ट बनता है सभी बच्चों का और वो इकट्ठा यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फीस भी दी गई थी, विद नॉर्मल फीस 5 जून, 5 जून तक 2020, ये 2020, और विद लेट फीस 500, 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके 12 जून तक और 1,000 रुपये लगेंगे आपके 19 जून तक, ये आपके BEd को छोड़कर हैं, ठीक है ना। तो आप BEd वाले जितने भी बच्चे हैं वो इसमें आप चिंता ना करें किसी भी तरीके की, उनके कॉलेज के थ्रू ही फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो यही सब मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, बाकी तो आपको पता चल गया, जितने भी आपके थ्योरी के एग्जामिनेशन हैं वो आपके UG और PG के BEd को छोड़कर
वो आपके जुलाई के अंदर करवाने जा रही है CRSU, और उसके बाद आपके रीअपियर के करवाए जाएंगे, थ्योरी के जस्ट बाद आपके रीअपियर के होंगे, और प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन भी आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद होंगे, और जो बीएड के एग्जामिनेशन CRSU यूनिवर्सिटी के रेगुलर या रीअपियर जो भी है वो अगस्त में होंगे, ठीक है ना। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इस इन्फॉर्मेशन का या नोटिस का नहीं पता है तो उनके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो और वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।